केंद्रीय मंत्री माननीय राजीव चंद्रशेखर जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय राजीव जी से कि आपको संबोधित करें। आप सबको नमस्कार। मैं आज आपके बीच कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के बारे में थोड़े फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं और इसके बारे में मैं मेरे विचार आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आप जानते ही हैं कि कांग्रेस की सरकार दो ढाई महीने से कर्नाटक में है और इन दो महीनों में 50 से ज्यादा किसान भाई के आत्महत्या और सुइसाइड हुए हैं। और जैसे ये स्लाइड दिखा रहा है, ओवर 16 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राउट लाइक कंडीशन है। 85 तालुक्स आर सफरिंग अ ह्यूज रेन डेफिसिट। फार्मर्स के हालत बहुत ही चैलेंजिंग है और उसके ऊपर लोड शेडिंग का और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का भी एक उन पर बहुत भारी चैलेंज बना है। और इस बीच में इन द बैकग्राउंड ऑफ ऑल दीज चैलेंजिंग सिचुएशंस फॉर आवर फार्मर ब्रदर्स, कर्नाटक कांग्रेस के लीडर डीके शिवकुमार ने बिना कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ या कोई ऑल पार्टी मीटिंग के साथ उन्होंने 10 टीएमसी कावेरी वाटर रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। तो एक प्रश्न उठता है कि ये क्यों किया। ये जब बैकग्राउंड ऑफ डिस्ट्रेस, फार्मर डिस्ट्रेस इतना प्रोनाउंस्ड है और सबको देखने को मिल भी रहा है, देखने को बड़ा विजिबल सा भी है, ये क्यों कर रहे हैं। और इसका सीधा जवाब, साफ जवाब यह है कि वो अपने घमंडिया गठबंधन / यूपीए के सीनियर पार्टनर डीएमके के प्रेशर से इन्होंने पानी रिलीज किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू इसलिए है क्योंकि कर्नाटक के कांग्रेस सरकार ने एक तरह से अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल, अपने इस कोलिशन को बचाने के लिए उनके दबाव से इस पानी को उन्होंने रिलीज कर दिया। और ये जो एक तरह से रिलेशनशिप है डीएमके कांग्रेस का, और डीएमके का एक इलस्ट्रियस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन कांग्रेस एंड कांग्रेस विद एन इलस्ट्रियस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू दैट प्रेशर, हम अगर थोड़े हिस्ट्री में जाके झांकेंगे तब भी आपको मिलेगा कि 2G स्कैम के टाइम पे सेम इशू हुआ और आज के दिन कर्नाटक के किसान भाई आर पेइंग विद देयर ऑक्यूपेशन फॉर दिस टाइप ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने बेंगलोर में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है और मैं आपके सामने ये एक तरह से रिपीट करना चाहता हूं कि इस दौरान व्हेन देयर इज अ क्लियर एग्रीकल्चरल क्राइसिस इन सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, देयर इज अ ड्राउट लाइक कंडीशन, ना तो चीफ मिनिस्टर, ना उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ना एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैव स्टेप्ड आउट ऑफ बैंगलोर, हैव विजिटेड एनी ऑफ दीज ड्राउट डिस्ट्रिक्ट्स, और उनका आज तक दिल्ली बैंगलोर और वापस बैंगलोर उनका आइटिनरी देखोगे कि तो इनका पूरा का पूरा ट्रैवल इज रिस्ट्रिक्टेड टू डीलिंग विद दिल्ली एंड सिटिंग इन बेंगलोर, नॉट गोइंग आउट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्राइसिस इज,
not understanding the pain of the farmers, but succumbing to political pressure and releasing 10 TMC of water simply because the DMK has put pressure on them. One additional element I want to draw to your attention, the agricultural minister of Karnataka government, Sri Chelurai Swami, instead of looking at the farmers' problems and instead of caring for the farmers, instead of fighting against the release of this water, is himself embroiled in a corruption scam. His officers, his employees in the agricultural ministry have openly accused him of corruption and asking for money. तो एक हाथ में हमारे किसान भाई सफर कर रहे हैं, लोड शेडिंग हो रहा है, ड्राउट कंडीशन, दूसरी ओर राजनीति के प्रभाव से वो पानी रिलीज कर रहे हैं कावेरी के 10 टीएमसी, और साथ साथ जो वहां के कृषि मंत्री हैं खुला आम करप्शन में इन्वॉल्व हैं और करप्शन में बिजी हैं. नेक्स्ट, I want to accuse, I want to present to you that this Karnataka government of the Congress is today characterized by misgovernance, lies, and apathy towards our farmers and other communities. You can see, for example, at a time when their budget and the economy is under strain and stress, they are going back on their own promises made during the election. For example, the Yuva Nidhi, unka promise ye tha ki har unemployed graduate youth ko 3000 rupaye denge, lekin unhone jo notify kiya scheme ko bade smartness ke saath unhone ek hi saal ke graduates ko ye 3000 rupaye ka criteria अप्लाई करवाया है, तो झूठ. और वो हमारे बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है उसको रिपील करना चाहते हैं. इसका मैं आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस शेयर करता हूं. 2014 से पहले और 2014 में हमारे देश के थ्री आउट ऑफ एवरी फोर यंगस्टर्स इन द वर्कफोर्स वर अनस्किल्ड. 65 साल के इंडिपेंडेंस के बाद यह हमारा रिपोर्ट कार्ड था कि वर्कफोर्स में 75% यानी कि थ्री आउट ऑफ एवरी फोर इन द वर्कफोर्स वॉज अनस्किल्ड. और हर साल 1.5 करोड़ हमारे युवा अनस्किल्ड, बिना स्किल के हमारे वर्कफोर्स में ज्वाइन करते थे. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सीधा एक ऑब्जेक्टिव और एक आउटकम यह है कि कोई भी बच्चा बिना स्किल्स के स्कूल से नहीं निकलेगा. छठी क्लास से 12वीं क्लास तक हमारे बच्चों को स्किल प्रदान किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. और जब ये एनईपी को रिपील करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं, उसका सीधा मतलब यह है कि वो हमारे कर्नाटक के युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्राइस मैं इस स्लाइड में दिखा रहा हूं, मैं ये रिपोर्टेड आर्टिकल्स हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इज इंक्रीजिंग, दिस इज अगेन अ साइन ऑफ मिस गवर्नेंस. नेक्स्ट स्लाइड, करप्शन खुला, इट इज बिकम अन फ्री फॉर ऑल. कोई भी मंत्री बेंगलोर से बाहर नहीं जाता, कोई भी मंत्री बेंगलोर या दिल्ली के अलावा अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या अपने जो ड्राउट रिडन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर परेशानी है, लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स हैं, कहीं नहीं जा रहा. और यहां पे ओपनली चलोराय स्वामी हो या राय रेड्डी हो जो प्रीवियसली कांग्रेस में थे और अभी कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए हैं बाहर, वो कह रहे हैं कि अभी खुला डीके शिव कुमार उनसे पैसा ले रहे हैं, मांग रहे हैं. ये है करप्शन. And the third
रिपोर्ट कार्ड ऑफ दिस कांग्रेस गवर्नमेंट इज नो डेवलपमेंट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि कर्नाटक गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड डेवलपमेंट। ही हैज बीन कोटेड, ही हैज सेड दिस, ही हैज सेड दिस टू हिज एमएलएस, ही हैज सेड दिस टू द मीडिया। और शुरू हो गया उनका एक तरह से क्रिएटिंग एन एलिबाई। उनके एक हाथ डीके शिव कुमार कहता है कि वी कैन नॉट डू डेवलपमेंट, और दूसरे हाथ उनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वी नीड अ स्पेशल ग्रांट। तो लूटेंगे वो, मिस गवर्नेंस करेंगे वो, डेवलपमेंट को छोड़ेंगे वो, अपने इलेक्टोरल प्रोमिसेस को नहीं निभाएंगे, लेकिन मांगेंगे जरूर स्पेशल ग्रांट। आई वॉन्ट टू मेक वन पॉइंट फॉर ऑल योर कंसिडरेशन विच आई हैव मेड अर्लियर व्हेन आई हैव स्पोकन अबाउट यूपीए वर्सेज एनडीए। कर्नाटक के इकोनॉमी को बसवराज बोम्मई जी के सरकार ने बहुत हेल्दी सिचुएशन में ही लेफ्ट इट, और एक साल नहीं हुए, दो महीने नहीं हुए, तीन महीने नहीं हुए हैं कि वहां के अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को एकदम से इट इज बीइंग डिमोलिश्ड एंड डिस्ट्रॉयड विद नो डेवलपमेंट इन साइट। लास्ट लाइन, सो आई विल समराइज फॉर यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू आवर फार्मर्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कावेरी water release of 10 TMC without consideration of any political party, without any all party conference, despite widespread drought, widespread crisis amongst our farmers, that this is an MNC government. Inko naam badalna hai to misgovernance, no development or corruption se jud jaye, this will be more appropriate. Thank you. Yes. Well, if you've heard that from Siddaramaiah, you should ask Siddaramaiah. I don't know anything about it. My reaction is to go ask whoever has told you that information. I can't clarify that. I don't respond to myth and imagination. देखिए, राहुल गांधी एक तरह से आइकॉन हो गए हैं हिपोक्रेसी के, लेकिन इस इश्यू पर जब वो बोलते हैं मुझे काफी गुस्सा होता है, क्योंकि अगर देश में किसी को भी चाइना के साथ संबंध है वो राहुल गांधी के कांग्रेस को है। उन्होंने एमओयू साइन किया है, वो जानते हैं, चाइनीज एम्बेसडर के साथ वो लंच करते हैं, डिनर करते हैं। तो चाइना के संबंध अगर देश में किसी को है और स्ट्रांग संबंध किसी को है वो राहुल गांधी और राहुल गांधी के कांग्रेस को है। ये जो हमारे बारे में या हमारे सरकार के बारे में ऐसे फेक न्यूज या जो भी उनको कहना है, एक स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इफ देयर इज अ गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट हैज टेकन अ unwavering, tough and unambiguous view to national security, it is the BJP government under Prime Minister Narendra Modi ji. And you have to be either Rahul Gandhi or one of his cronies to believe otherwise. If there is anybody today who has to answer for appeasing forces that are inimical to India, signing MOUs with forces that are inimical to India, it is Rahul Gandhi's Congress. So I suggest to Rahul Gandhi that he should stop creating these type of narratives just to distract away from his own long illustrious conduct with China, and for the people of India to recognize and understand the absolute no compromise, zero tolerance approach of Prime Minister Narendra Modi ji to issues of national security and national integrity and territorial integrity. I mean, I can go on and on about this subject. It is the Congress government that
said that we will not build up border infrastructure. It is the same Rahul Gandhi's Congress, because it will provoke China. वो उन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा है. यही राहुल गांधी के कांग्रेस ने प्रायोरिटाइज किया कि हम वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदेंगे लेकिन फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे. तो ये वो आंसर करें और आप भी जरा क्लिनिकली एनालाइज करें कि इस नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू पे कौन से सरकार का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. देखिए, मैं अगर आप देखेंगे इस कावेरी डिस्प्यूट का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, कभी भी ये नहीं रहा है कि कोई रिलीज होता है विदाउट एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ताकि हमारे स्टेट कर्नाटक के जो हालत है उसको देखकर हम पानी रिलीज करें या ना करें उसका डिसीजन ले. अब कर्नाटक में हो क्या रहा है, इन पिछले दो महीनों में 50 किसान की आत्महत्या हुए हैं और ओपनली, अभी ये पब्लिश डेटा है, मैं कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, 16 डिस्ट्रिक्ट और 85 तालुक में ड्राउट है. उसके ऊपर इनके नीतियों के कारण लोड शेडिंग और लोड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर गोइंग अप. इस बीच बिना कोई बातचीत किए, बिना किसानों के हित को देखे हुए, अगर आप पानी को रिलीज करते हैं क्योंकि आप दबाव में पड़ रहे हैं डीएमके के साथ, तो इसका आंसर तो ये है ना कि गलत है. आप पॉलिटिक्स के लिए ये कर रहे हैं, ना कि हमारे सेल्फ इंटरेस्ट या स्टेट के इंटरेस्ट को देखकर कर रहे हैं. इसी मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि वो दबाव से कर रहे हैं ये, और डीएमके और उनका दबाव का हिस्ट्री तो लंबा हिस्ट्री है, 2010 से चल रहा है इनका हिस्ट्री. नहीं, ये अभी हुआ है कि पहले से हुआ है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई नया मींस अलाइनमेंट है इनका. ये बड़ा स्पष्ट रूप से उनके लाइज, उनके करप्शन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, दे आर नेवर बीन एनीथिंग बट टुकड़े टुकड़े गैंग के फैंस. ये कोई नया, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट, दिस इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस पार्टी दैट एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस. तो देखिए लोग समझदार हैं ना, कांग्रेस में भी लोग हैं समझदार लोग, वो भी समझ जाएंगे ना ये, कभी ना कभी तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कर रहे हैं ये. अगर कोई जाके ले लद्दाख में जाकर चाइना के बारे में बोलता है और ये नहीं बोलता है कि मैंने एमओयू साइन किया है, मेरे पार्टी ने एमओयू साइन किया है, मैं लंच डिनर के लिए उनके एम्बेसडर के साथ मिलता जुलता हूं, वो नहीं बोलेंगे, बाकी और सब कुछ बोलेंगे, तो लोग क्या समझेंगे, यही समझेंगे. लुक, आई रिफ्यूज टू बी ड्रॉन इन टू अ डिस्कशन ऑफ नोबडीज. चंद्रयान इज समथिंग दैट द होल नेशन इज वेरी प्राउड ऑफ. कोई भी जिन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं है वो चंद्रयान के बारे में सारा बोलना शुरू करेंगे, तो छोड़िए अभी. प्रकाश राज कौन चीज है, कमलेश. ये मैंने आपको मालूम है किस बारे में. मुझे लगता है प्रश्न समाप्त हो चुके हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.